किसान भाइयों, हम वीडियो में आगे बात करें उससे पहले मैं आपको एक आधुनिक मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ। इस मशीन के प्रयोग से आप लहसुन और प्याज की कटाई और जड़ों की सफाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह मशीन बैटरी के द्वारा चलती है। एक बार चार्ज करने पर यह 7 घंटे काम करती है। आप पूरे भारत में कहीं पर भी होम डिलीवरी के माध्यम से इस मशीन को खरीद सकते हैं। इस मशीन की कीमत 4,000 रुपये है। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक बार संपर्क जरूर करें। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन पकने का पता कैसे लगाए और लहसुन को बाहर कब और किस प्रकार से निकाले। लहसुन को सही समय पर बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लहसुन को हम जल्दी बाहर निकाल लेते हैं तो वह लहसुन फिर बाद में सेंट मारने लगता है, जिससे लहसुन जल्दी ख़राब हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जल्दी बाहर निकालने से हम लहसुन को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और ज़्यादा लेट अगर हम बाहर निकालते हैं तो उससे लहसुन का पर्दा ख़राब हो जाता है और लहसुन दांतला हो जाता है, जिससे वह लहसुन बहुत ही कम भाव में बिकता है। इसलिए आपको लहसुन को सही समय पर बाहर निकालना ज़रूरी है। और लहसुन को बाहर किस प्रकार से निकालना है तो इसके बारे में हम वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसलिए आप बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। और किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि लहसुन पकने का पता किस प्रकार लगाए। तो लहसुन पकने की पहचान आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तो लहसुन के ऊपर की कली को देखकर। लहसुन जब पक जाता है तब उसकी पत्तियों के बीच में से एक डंठल निकलता है, जिस पर एक कली बनती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और उस कली में लहसुन के छोटे छोटे बीज भी बनते हैं। अगर आपके लहसुन में इस प्रकार से कलियां निकलने लगी हैं तो आप समझ जाना कि आपका लहसुन पक चुका है, और फिर आपको उसको बाहर निकालने में ज़्यादा देरी नहीं करना है और उसे जल्दी से बाहर निकाल लेना है। अब बात करते हैं पकने का पता लगाने के दूसरे तरीके के बारे में। तो आपको लहसुन के कंद को देखकर लहसुन पकने का पता लगाना है, क्योंकि कुछ वेराइटियाँ ऐसी होती हैं जिनमें जो ऊपर वाली कली है वह बहुत लेट निकलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि लहसुन के 2-5 कंद को उखाड़ कर देखना है कि लहसुन के कंद में जो कलियाँ बनती हैं वह कलियाँ पूर्ण तरीके से बनी हैं या नहीं। अगर कलियाँ पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी हैं तो आपका लहसुन पक चुका है, और फिर आप लहसुन को जल्दी से बाहर निकाल लीजिए। अब किसान भाइयों बात करते हैं लहसुन को बाहर कैसे निकालें, क्योंकि लहसुन को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो आप इसके लिए भी दो तरीक़ों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, ट्रैक्टर की कुली से। ट्रैक्टर की कुली से आपको क्या करना है कि उसके पीछे आपको कुली फाँदना है, और उसके बाद आपको कुली को नीचे लगाना है। ध्यान रहे, कुली लगाते समय जो लहसुन का कंद है उससे नीचे नीचे कुली चलना चाहिए, और फिर आप उस लहसुन को एक एक बीन सकते हैं और लहसुन को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, आप हाथों से उखाड़ कर भी लहसुन को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि आप मूंगफली को निकालते हो। आपको वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से आप हाथों से एक एक लहसुन को उखाड़ कर भी बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आपको डायरेक्ट उखाड़ लेना चाहिए। अगर नमी कम है तो आपको हल्की सी उसको मिनी स्प्रिंकलर या फिर स्प्रिंकलर से उसकी हल्की सी सिंचाई कर देना है, और उसके बाद आपको लहसुन को जल्दी से बाहर निकाल लेना है। तो किसान भाइयों, यह था वीडियो। इसमें हमने बात की लहसुन पकने का पता कैसे लगाए और लहसुन को बाहर किस प्रकार से निकाले। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।